जो यहाँ का मीडिया है ना, जो मीडिया नहीं चाहता कि कोई बैकवर्ड एससी की पार्टी उभर करके सेंटर में आए और जो हजारों सालों की सड़ी गली व्यवस्था को खत्म करे। भाई मेरे ये निर्णय तो ठीक लिया है। लोकसभा के चुनाव में अगर बहन जी दमदारी से चुनाव लड़ती और 6 महीने पहले से तैयारी कर लेती तो बीजेपी बहुत ज्यादा सीटें ले आती, पूर्ण बहुमत में आ जाती। आरोप है ये लोगों का, वोट कटवा पार्टी उसको कह रहे जो राष्ट्रीय पार्टी है, और जो क्षेत्रीय पार्टी दुनिया भर के कुकर मुत्ते की तरह पैदा हो गई उनको बोल रहे हो वो वोट कटवा पार्टी नहीं है। वो असलियत में वोट कटवा तो वही हो गई बसपा का नुकसान करने के। क्या वजह देख रहे हैं आपकी बसपा जो है इतना डिमोट हो चुकी है? देखिए सर, ये कोई वजह तो आपको भी कहीं नजर आ रही होंगी, उसको मेरे से ही मत कहलवाइए, और उसमें कहीं ना कहीं बहन जी को भी तब्दील करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। मतलब बहन जी में कमियां हैं वर्तमान में? बहन जी में मैं सुझाव दूंगा बहन जी को, हालांकि मैं सुझाव देने लायक नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बहन जी इस पार्टी को बहुजन समाज में बदलाव कर, बहुजन समाज की पार्टी बना दे तो ये पार्टी ऑटोमेटिक दोबारा उसी पैटर्न पर आ जाएगी, उसी ले में आ जाएगी, उसी धारा में आ जाएगी, उसी आंदोलन के रूप में आ जाएगी और सत्ताधारी पार्टी बन जाएगी। जिस दिन ये बहुजन समाज की पार्टी बन जाएगी, 85% की पार्टी बन जाएगी, तो नहीं नहीं 85% की पार्टी नहीं है, इसमें सर्व समाज की पार्टी है। ये तो बहन जी ने घोषणा कर दी है भाई, बहुजन समाज पार्टी आज सर्व समाज की पार्टी है, सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय। कैसे सतीश चंद्र मिश्रा एक जाति के हैं क्या? जाटव जाति से हैं, ऐसी जाति से हैं, बताइए। बहुत सारे मुसलमान हैं हमारे भाई, वो क्या जाटव जाति से हैं, ओबीसी समाज से हैं, वो जाटव जाति से हैं। आरोप कौन लगाता है सर? आरोप देखिए सर, ये मैं जो यहाँ का मीडिया है ना, जो मीडिया नहीं चाहता कि कोई बैकवर्ड एससी की पार्टी उभर करके सेंटर में आए और जो हजारों सालों की सड़ी गली व्यवस्था को खत्म करे, वो ऐसे आरोप लगाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे काशीराम जी के समय जो वक्त था वो अलग था और अब जो है वो वक्त अलग है, तो कहीं ना कहीं कार्यशैली में और तमाम चीजों में जो है सुधार की जरूरत? समय के हिसाब से बहन जी ने अपने को ये बदलाव लिया होगा, और मैं फिर भी दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं कोई उन पर ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूँ ना आक्षेप लगाऊंगा, वो उनकी सोच है, समझ है, क्योंकि हमारी लीडर हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं। जी ने अभी चुनाव के दौरान जितने भी निर्णय लिए हैं सब गलत साबित हुआ है? भाई मेरे ये निर्णय तो ठीक लिया है। लोकसभा के चुनाव में अगर बहन जी दमदारी से चुनाव लड़ती और 6 महीने पहले से तैयारी कर लेती तो बीजेपी बहुत ज्यादा सीटें ले आती, पूर्ण बहुमत में आ जाती। बहन जी के कम प्रदर्शन के कारण इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ और आज इंडिया गठबंधन एक मजबूती के रूप में विपक्ष में भर गया। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये भाई मेरे अगर बी टीम होती सर, एक नेशनल पार्टी को वोट कटवा पार्टी बोल देना कहां तक आपको सर? ये बहुत बड़ी साजिश के शिकार हो रही है पार्टी, ऐसा नहीं है। नेशनल मीडिया हमारा बीएसपी का कभी भी पक्षधर नहीं रहा, नेशनल मीडिया। और सर सोशल मीडिया के दौर में एटलीस्ट कम से कम सोशल मीडिया के दौर में तो बीएसपी को उस तरीके से, लेकिन सोशल मीडिया में भी मैंने ऐसे देखे हैं, आज भी मैं देख रहा हूं कि 5-6 पत्रकार ऐसे हैं जो बसपा के खिलाफ ही बात करते हैं, ऐसे भी लोग हैं मैंने देखे। कमियां बताते हैं ना सर? सर कमियां भी नहीं बताते सर, वो बुराई भी करते हैं डायरेक्ट। यार कैसे बीएसपी वोट कटवा पार्टी होगी? राष्ट्रीय पार्टी को वोट कटवा पार्टी बोलोगे? वो क्षेत्रीय पार्टी है तो यार क्षेत्रीय पार्टी थोड़ी है ये, राष्ट्रीय पार्टी वोट कटवा पार्टी कैसे हो जाएगी? वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी क्या? और आप उसको चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहे हो क्षेत्रीय पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए? एक राष्ट्रीय पार्टी अपनी धरोहर बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपनी राष्ट्रीयता को बचाने के लिए क्या वो चुनाव नहीं लड़ेगी? ये गलत है ना, गलत आरोप है ये लोगों का। वोट कटवा पार्टी उसको कह रहे हो जो राष्ट्रीय पार्टी है, और जो क्षेत्रीय पार्टी दुनिया भर के कुकर मुत्ते की तरह पैदा हो गई उनको बोल रहे हो वोट कटवा पार्टी नहीं है। वो असलियत में वोट कटवा तो वही हो गई बसपा का नुकसान करने के। खामोश है सर? खामोश अरे हम हैं ना कार्यकर्ता, उनका बहुत बड़े पैमाने पे खामोश था तो प्रजा भी शांत हो जाती है, वही हो रहा है सर। देखिए कहीं ना कहीं मीडिया लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहा है। उनका जो एक तरीका था बात करने का, जो एक तरीका था एग्रेसिव होने का, वो सारा सर आप इस उम्र में उनको एग्रेसिव बनाओगे? अरे हम है ना, यूथ है ना, लेकिन इसमें मोदी जी भी तो काम कर रहे हैं ना। मोदी जी काम कहाँ कर रहे हैं भैया, मीडिया काम कर रहा है उनका। मीडिया पीछे पीछे घूमता है, ठीक है, पीछे पीछे घूमता है, वो कहीं भी जा रहा है बंदा मीडिया उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो आपका मीडिया साथ देता है क्या कभी? हमारा तो साथ नेशनल मीडिया ने कभी साथ नहीं दिया, किसी रैली को भी कवर करके जनता तक नहीं पहुंचाया। मोदी जी ने चुनाव के दौरान लगातार रोड शो किए, बहन जी ने एक भी रोड शो? भाई साहब वो इतना बड़ा नेटवर्क उनके पास है, वो सत्ताधारी पार्टी है, उनके पास साधन है, सब कुछ है, उसका यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं उनका। तो आप क्यों नहीं करवा रहे हो? हमने यूज किया, हमने 4 बार सत्ता बनकर ना दिखा दी तुम्हारे को। तो आप तो अपने लोगों तक की बात पर नहीं पहुंचा पा रहे, बहुजन समाज से जो सर समाज है उसने बहन जी का हाथ छोड़ दिया है? अरे नहीं छोड़ा भाई मेरा, चिंता ना करो, अभी चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, समय आने दीजिए सब ठीक हो जाएगा। विकास आनंद को
बहुत बढ़िया किया है पार्टी में दोबारा लेकर, पहले वापस किया तो अच्छा किया, अब लिया तो अच्छा किया आकाश आनंद। हाल ही में आसपास के जो दिल्ली है, तमाम हरियाणा है, तो यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा। दिल्ली की अगर स्थिति को देखें तो अगर बहन जी यहाँ पर आ जाए, बहन जी यहाँ कार्यक्रम शुरू करें, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दलित सीएम को लाया जा सकता है। मैं समर्थन कर रहा हूँ आपकी बात, लेकिन लेकिन वो खामोश क्यों है? मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ और इस पर मैं अपनी सहमति जता रहा हूँ आपके साथ कि अगर बहन जी यहाँ थोड़ा सा मेहनत कर ले पार्टी की, मतलब दिल्ली में थोड़ी सी मेहनत कर ले और घोषित करते हैं दलित मुख्यमंत्री, चाहे किसी भी समाज का कर ले एससी में से, बहुत बढ़िया रहेगा और अच्छे लेवल पर काम हो जाए। तो यहाँ अगर पार्टी दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन कर देती है तो उसका असर हमें पूरे देश में देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब बहन जी ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाला था तो ये कहा था कि इमैच्योर है अभी, और 40 दिन बाद फिर पार्टी में दोबारा ले लिया गया, क्या मैच्योर हो गए वो? भाई साहब उस टाइम ना इंडिया गठबंधन का नुकसान होने जा रहा था, जैसा हमारे जैसा आइडिया है, जैसा हमने अपना गणित लगाया है कि जिस तरीका से आकाश आनंद की सभा में लाखों लोग आ रहे थे और इतना जोश भरा जा रहा था और आकाश आनंद बोल भी बड़े बेबाकी से रहे थे, तो उसका असर वोट पर पड़ रहा था और वोट खिंच के चला आ रहा था। तो खिंच के चले आने से यह है कि हम भी नहीं जीतते और इंडिया गठबंधन का भी बंदा नहीं जीतता। तो बहन जी ने कहीं ना कहीं यहाँ भी इंडिया गठबंधन का ही साथ दिया, बीजेपी का नुकसान ये कर गया। लेकिन वो शामिल क्यों नहीं है सर? सर शामिल किया ही नहीं गया। आपको पता है एक ऐसा बयान था कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में आती है तो हमको बाहर समझना, एक राजनीतिक पार्टी ने ऐसा बोला था, मालूम होता अगर इंडिया गठबंधन में तो हमारे को बाहर समझना इंडिया गठबंधन से। आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने नहीं बोला था, अखिलेश ने नहीं बोला, ना उसने नहीं बोला। तो क्या कर रहे हैं? वो रिकॉर्ड में है, आप देख लेंगे कहीं भी, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन अब रणनीति है, अब वो बहन जी का यार, बहन जी की सोच है, अब उनका इरादा है, उनकी उन्होंने कोई ना कोई प्लानिंग बनाई होगी, उन्होंने भी समीक्षा मीटिंग करी है भाई, समीक्षा में कोई ना कोई तो निकला है ना, कुछ ना कुछ तो संशोधन निकलेगा ही, तो समीक्षा मीटिंग में जो भी निकल के आया होगा उस पर काम करेंगे। आकाश आनंद को पार्टी में वापस लिया गया है, लेकिन और जो भ्रष्ट जो सदस्य है, जो कार्यकर्ता है, उनके साथ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? मेरी आपसे, हाँ, आपके मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन जी से कि जिस तरीका से आकाश आनंद जी को वापस लिया है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जिनको पार्टी से बाहर किया गया है और वो पार्टी के हित में काम कर सकते हैं और पार्टी हित में हो सकता है वो कदम, तो बहन जी उन्हें भी वापस लें पार्टी में और एक कॉम्बिनेशन बनाए आकाश आनंद जी के साथ में ऐसे विचारधारा के लोगों का, और पार्टी में एक अच्छा मूवमेंट पैदा हो जाएगा और अच्छा पार्टी ऊंचाई पर पहुंचे। क्या लगता है बहन जी तेजी से वापस कर? मुझे उम्मीद है जरूर होगा पूरा, और मुझे विश्वास है क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ भाई, मैंने अपनी जवानी लुटाई है बहुजन समाज पार्टी। आपको मैंने बताया था मंच पे भी कि मैं MBBS डॉक्टर होता, ठीक है, और मेरे गांव में 8 डॉक्टर हैं, मेरे समाज के 8 डॉक्टर जिस गांव में हो, उस वो गांव में मेरे को भी होड़ लगी हुई थी डॉक्टर बनने की, लेकिन साहब काशीराम जी का और बहन जी का मैंने भाषण सुना था यहाँ पर, क्या नाम है, खुर्जा में एक ITI कॉलेज है, उस ग्राउंड में आए थे, तब मैं तैयारी कर रहा था, तो एक ऐसा नशा चढ़ा कि मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ करके मैं राजनीति में घुस गया था, तो एक नुकसान अपने करियर का मैंने ये किया, और उसी क्षेत्र में मैं 2-3 बार गोली से बचाऊँ, एक बार मैं किडनेप भी हुआ हूँ, तो बसपा के लिए तो वहाँ पे हमारे 5-6 साथी और भी मार दिए गए थे, जो बहुत अच्छे सक्रिय थे समाज में, उनको मार दिया गया था, एक गुर्दियाली बचा था बस, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, और मुझे उम्मीद है क्योंकि सच्चा सिपाही ये बात कर रहा है, आज नहीं तो कल कुछ दिन बाद बसपा रिवर्स होगी और आपके सामने एक अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम, नमो बुद्धाय।